शुक्रवार को अमिताभ बच्चन और तापसी पन्नू की स्टारर फिल्म बदला रिलीज हुई है। पहले दिन फिल्म ने 5 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई की है। सस्पेंस और थ्रिल से भरी ये मूवी दर्शकों को काफी पसंद भी आई है। फिल्म ने दोपहर बाद अच्छी कमाई करना भी शुरू किया और शाम तक अच्छा कलेक्शन भी कर लिया। वीकेंड पर कमाई की अच्छी उम्मीद भी की जा रही है। तापसी पन्नू पर इस फिल्म में मर्डर का आरोप है और अमिताभ बच्चन उनके वकील बने हैं। वहीं अमृता सिंह ने एक मां का दर्द उम्दा तरीके से दिखाया है। निर्देशक सुजॉय घोष अंत तक सस्पेंस बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। इस फिल्म का फुल बजट 24 करोड़ रहा है। आपको बता दें कि फिल्म पहले ही दिन में 5 करोड़ की कमाई कर ली है। वहीं दूसरे दिन भी इस फिल्म का कलेक्शन 7 से 8 करोड़ रहा है। वहीं इस फिल्म का तीसरा दिन वीकेंड का रहा है, जिसमें कमाई की काफी उम्मीद दिखाई दे रही है। जिसमें फिल्म 8 से 9 करोड़ की कमाई कर सकती है, या ये भी हो सकता है कि इससे ज्यादा भी करे। इस फिल्म का कलेक्शन इतना बढ़ता देख ऐसा लग रहा है कि अमिताभ बच्चन की फिल्म बदला काफी हिट जाने वाली है। ये लोगों को काफी भा रही है, जिसे सिनेमा घरों में काफी भीड़ लगी हुई है। चलिए फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी रोमांचक और दिलचस्प खबरों को पाने के लिए देखते रहिए PMS मीडिया।